टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार। रोमांचक मैच में जिम्बाब्वे ने एक रन से हराया। अब क्या दिन आ गया, पाकिस्तान का क्या क्या देखना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप टी20 2022 में पाकिस्तान की टीम लगातार दूसरा मैच हार चुकी है। भारत के बाद जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। जिम्बाब्वे ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 131 का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना पाई और एक रन से यह मैच हार गई। इस हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम पर सेमीफाइनल के लिए से बाहर होने का खतरा बन गया है। एक रन से जीता जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को एक रन से हरा दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी गेंद में 3 रन की ज़रूरत थी, लेकिन शाहिन अफरीदी एक रन ही बना पाए और पाकिस्तान की टीम यह मैच हार गई। टीम विश्व कप 2022 में यह 5वां उलटफेर है जिस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 131 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सके और यह मुकाबला एक रन के करीबी अंतर से हार गए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज़्यादा 31 रन शेन विलियम्स ने बनाए। उनके अलावा क्रेग इरविन और ब्रैड इवांस ने 19-19 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने 3 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 विकेट लिए। वहीं बल्लेबाजी में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 44 रन शान मसूद ने बनाए। मोहम्मद नवाज़ ने 22 और शादाब खान ने 17 रन की पारी खेली। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 3 और ब्रैड इवांस ने 2 विकेट लिए।